सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू एंड गाइस, मुझे पता है पिछले 10 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली, लेकिन गाइस इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। पोकेमॉन जर्नी से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स नहीं आ रहे थे, लेकिन गाइस जैसे ही पोकेमॉन जर्नी से रिलेटेड अपडेट्स आ गए, ये वीडियो मैंने बना दी है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि आज की वीडियो में हम किन किन अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस स्क्विशी, बोनी, ग्लेमेंट एंड डेरेन के रिटर्न को लेकर अपडेट्स आ चुके हैं, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से एपिसोड में रिटर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ गाइस प्रोजेक्ट म्यू का एक एपिसोड रहने वाला है। जी हाँ गाइस, आने वाले एपिसोड्स में से एक एपिसोड प्रोजेक्ट म्यू का भी होने वाला है, जिसके अंदर गाइस खुद म्यू अपीयर होने वाला है। साथ ही साथ आज से और शुरू के तो उस एपिसोड में अपीयर होने ही वाले हैं। साथ ही साथ गाइस दो रेजी पोकेमॉन इस एपिसोड में डेब्यूट करने वाले, वो दो नए रेजी पोकेमॉन है गाइस, वो भी इस एपिसोड के अंदर अपीयर होने वाले। वो कौन से पोकेमॉन है वो आपको वीडियो देखने के बाद आगे पता चल ही जाएगा। साथ ही साथ गाइस आने वाले एपिसोड्स के अंदर ग्रिम्सनल पोकेमॉन भी अपीयर होने वाला है। अगर आपको ग्रिम्सनल पोकेमॉन नहीं पता तो मैं स्क्रीन के ऊपर इमेज लगा दूंगा, आप देख सकते हो गाइस ये ग्रिम्सनल एकदम स्ट्रांग पोकेमॉन है। और गाइस ये पोकेमॉन आने वाले एपिसोड्स में अपीयर होने वाला है। और गाइस इस पोकेमॉन को एश या फिर गो दोनों में से कोई एक इसे पोकेमॉन को पकड़ने वाला है। सो गाइस ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो गाइस इस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए एश या फिर गो जो भी है गाइस उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ गाइस आने वाले एपिसोड्स के अंदर एश का इंफर्नो फिर से रिटर्न करने वाला है। वो कौन सा एपिसोड होने वाला है और उस एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है ये भी आपको वीडियो देखने के बाद आगे पता चल ही जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है। सो गाइस बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस हम सबसे पहले बात करने वाले हैं स्क्विशी, बोनी, डेडेन एंड क्लेमेंट के रिटर्न के बारे में। सो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस, अगर आपको पता नहीं ये क्या है तो मैं बता देता हूँ गाइस। पोकेमॉन एनिमी के अंदर अगर उन्हें कोई भी कैरेक्टर रिटर्न करवाना हो या पीरियड करवाना हो या फिर कोई न्यू पोकन डालना था गाइस, उससे रिलेटेड जो है पोकेमॉन कंपनी जो है गाइस उससे रिलेटेड बहुत सारे मर्च, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है लॉन्च करती है। बेसिकली ये वो एक मर्च या फिर कुछ भी एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप देख सकते हो गाइस, इसकी साइड बेसिकली उसके ऊपर देख सकते हो ऐश का पिक, उसके ऊपर गाइस डेडेन एंड उसके ऊपर गाइस स्क्विशी है। तो गाइस ये इमेज आपको मैं बड़ी करके दिखा दूंगा, ये इमेज थोड़ी सी क्वालिटी खराब है लेकिन आप क्वालिटी छेड़े उसमें क्या है वो देखिए। सो गाइस इसके अंदर बेसिकली ऐश का पिकाचू, उसके ऊपर गाइस डेडेन है गाइस जो कि एनिमे के अंदर बोनी के पास है, एंड उसके ऊपर गाइस एक ज़ायगार्ड सेल है जो कि भी गाइस बोनी के पास था, एंड गाइस ये इसका नाम है स्क्विशी। सो गाइस ये बेसिकली एक हिंट है गाइस बोनी एंड क्लेमेंट के रिटर्न को लेकर। अगर आपको पता होगा तो ये दोनों पोकेमॉन जो गाइस बोनी के पास रहते थे। सो गाइस इससे हमें पता चलता है गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर बोनी रिटर्न करने वाली है। और अगर आपको पता होगा बोनी एक छोटी सी बच्ची है गाइस, वो अकेले नहीं ट्रैवल करती, उसके साथ होता है गाइस उसका बड़ा भाई क्लेमेंट। सो गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर इसे हमें पता चलता है क्लेमेंट एंड बोनी दोनों रिटर्न करने वाले। और गाइस ऊपर भी देख सकते हैं गाइस, ऊपर भी डेडेन ने बहुत सारे पोकेमॉन के सर्कल के अंदर हमें डेडेन देखने को मिल रहा है गाइस। तो गाइस ये डेडेन को लेकर बहुत बड़ा हिंट है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा हिंट है गाइस बोनी के रिटर्न को लेकर। उसके बाजू में पिंपलब भी है जो कि शायद से डॉन से रिलेटेड हिंट हो सकता है। तो गाइस इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो गाइस अब हम बात करेंगे हमारे अगले अपडेट्स की। तो गाइस आप सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस ये जो गाइस आने वाले पोकेमॉन से रिलेटेड कुछ लीक्स है। सो गाइस ये पोकेमॉन से रिलेटेड कोई टॉयज है गाइस जो कि आने वाले एपिसोड्स में अपडेट होने वाले या फिर कुछ पिछले वाले एपिसोड में अपडेट हो चुके हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो स्पिरिटॉम जो कि पिछले एपिसोड में अपडेट हो चुके हैं, एंड ऊपर आप देख सकते हो गाइस गैलारियन स्लोपोक एंड गैलारियन स्लोब्रो जो कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर अपडेट हो चुके हैं। इन्हें हमने स्पेशल प्रीव्यू के अंदर देखा था गाइस, जो कि मतलब जो ऐश के सर पे एंड गो के सर पे जो अलग अलग जो शेल्डर थे गाइस वो इससे रिलेटेड है, एंड गाइस उस एपिसोड के अंदर भी स्लोपोक एंड स्लोब्रो अपडेट होने वाले। सो गाइस जिससे हमें पता चलता है ये जो लिख से गाइस 100% मतलब जो है सही होते, एकदम राइट होते हैं। एंड गाइस ये दोनों पोकेमॉन तो अपडेट हो चुके हैं। और नीचे आप देख सकते हो गाइस इंफर्नेब गाइस जो कि इस मर्च में हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर के जो गाइस इंफर्नेब अपडेट होने वाला है। ये कौन से एपिसोड में अपडेट होने वाला है ये मैं आपको बाद में बताता हूं। फिलहाल अगर उसके बाजू में आप जिराटिना देख सकते हो गाइस जो कि अपडेट तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, लेकिन उसके बाजू में आप देख सकते हो गाइस रेजी इलेकी एंड रेजी ड्रैगो। सो गाइस हम इनसे रिलेटेड अब बात करेंगे यानी कि रेजी इलेकी एंड रेजी ड्रैगो की। सो गाइस अगर आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, पिछले जो प्रोजेक्ट म्यू के एपिसोड थे गाइस दोनों एपिसोड के अंदर एक रेजी पोकेमॉन अपडेट हुआ था गाइस। पिछला जो प्रोजेक्ट म्यू का एपिसोड था गाइस उसके एंड में हमने देखा था गाइस रेजी रॉक को, यानी कि उस एपिसोड के अंदर गो को टास्क मिला था किंगरा पकड़ने का, उसने पकड़ने के बाद जो एंड में असायन सुरोगी को फोन करते हैं गाइस, जब वो फोन रखते हैं सो हम देखते हैं कि वो रेजी रॉक के सामने एंड वो रेजी रॉक से बैटल किए, उसके बाद क्यों हमें देखने को नहीं मिला गाइस क्योंकि वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो गया। पहले भी गाइस जो प्रोजेक्ट में कोई एपिसोड था गाइस उस एपिसोड के अंदर गो ने नाइनटेल्स पकड़ा था, एंड उस एपिसोड के अंदर भी अपडेट हुआ था गाइस रेजी आइस, एंड उसके साथ भी गाइस बैटल की थी गाइस सुरुगी ने, एंड उसने रेजी आइस को हरा दिया था।
सो गाइस ये बेसिकली एक हिंट है कि आने वाले एपिसोड जो है जो एक प्रोजेक्ट में के ऊपर होने वाला है, उस एपिसोड के अंदर अपडेट होने वाले गाइस रेजी इले की एंड रेजी ड्रैगोस, ऐसे दोनों अपडेट होंगे गाइस। और ये दोनों जो गाइस एकदम नए रेजी पोकेमॉन है। इससे पहले जो गाइस लास्ट वाला रेजी पोकेमॉन था शायद से वो रेजी गिगास था, लेकिन उसके बाद गाइस ये दो न्यू पोकेमॉन आए गाइस जो कि गाइस रेजी इले की एंड रेजी ड्रैगो। और ये गाइस इन दोनों पोकेमॉन का एनिमे डेब्यूट होने वाला है और डेब्यूट में गाइस ये अपडेट होंगे गाइस प्रोजेक्ट में के एपिसोड के अंदर। एंड गाइस इसी लिस्ट में आप सबसे ऊपर देख सकते हो गाइस यहां पे म्यू भी है गाइस। एंड जैसे कि आपको पता होगा गाइस प्रोजेक्ट म्यू तो गाइस म्यू के ऊपर ही है। तो गाइस मुझे लगता है ये जो एपिसोड है जिसमें रेजी इले की एंड रेजी ड्रैगो अपडेट होने वाला है, शायद से उस एपिसोड में गाइस म्यू भी अपडेट हो, शायद से उसे कोई देखे ना, क्योंकि आपको पता होगा गाइस म्यू जब भी अपडेट होता है गाइस वो मतलब जो है किसी को दिखाई नहीं देता, वो छुप छुप के जो है इंसानों को सिर्फ देखता है। वैसे मुझे लगता है इसी एपिसोड में भी करने वाला है। और सच्ची बात जैसे कि मैंने कहा था इन्फरनेप कौन से एपिसोड में अपडेट हो गए मैं बाद में बता दूंगा। मुझे लगता है इन्फरनेप जो गाइस इसी प्रोजेक्ट म्यू के एपिसोड में अपडेट होने वाला है, क्योंकि इसमें दो दो लेजेंडरी पोकेमॉन अपडेट हो रहे हैं, तो गाइस इस एपिसोड में इन्फरनेप की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको याद होगा तो पिछले एक प्रोजेक्ट म्यू के एपिसोड के अंदर भी मॉल्ट्रेस को हराने के लिए जो है इन्फरनेप ही आया था। सो गाइस मुझे लगता है इस एपिसोड के अंदर भी रेजी ड्रैगो एंड रेजी इले के साथ बैटल करने के लिए ऐश अपने इन्फरनेप को अपने साथ लेके जाएगा। सो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, जो कि गाइस ग्रीम स्नार से रिलेटेड। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था गाइस आने वाले एपिसोड के अंदर ग्रीम स्नार अपडेट होने वाला है और उससे रिलेटेड वो अपडेट आया। तो गाइस अब इसी इमेज में आप देख सकते हो गाइस एक जो है गाइस स्लो ब्रोज के नीचे आप देख सकते हो गाइस ग्रीम स्नार पोकेमॉन जो कि गाइस एक मर्च है ग्रीम स्नार से रिलेटेड। सो गाइस मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स के अंदर कोई सा भी एपिसोड हो सकता है जिसके अंदर गाइस ग्रीम स्नार फर्स्ट टाइम उसका एनिमे डेब्यूट करने वाला गाइस, क्योंकि इससे पहले ग्रीम स्नार एनिमे के अंदर कभी भी दिखाई नहीं दिया। सो गाइस ये इसका एनिमे डेब्यूट ही रहने वाला है। एनिमे डेब्यूट मुझे लगता है ये कोई स्पेशल एपिसोड होगा जिस एपिसोड के अंदर ये अपडेट होगा। बेसिकली एश एंड गो दोनों इसे पकड़ने की ट्राई करेंगे गाइस, क्योंकि ग्रीम स्नार पोकेमॉन से मैं स्टार्टिंग से काफी ज्यादा मैंने अपडेट सुना ही रखे, मतलब काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने कहा था गाइस कि आने वाले एपिसोड में जब ग्रीम स्नार अपडेट होगा एंड उसे एश पकड़ेगा। सो गाइस मुझे लगता है ये एक दो एपिसोड के बाद तो ऐसे अपडेट होने वाला है। और अब बात करते हैं कि इसे को पकड़ेगा एश या फिर गो। सो गाइस जितने स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है गो बेसिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पहले पकड़ चुका है, गोलर्क हो सकता है, इंटेलियन, सिंड्रेंस, एरोडैक्टाइल। सो मुझे लगता है उन्होंने लगता है मुझे ये एपिसोड बेसिकली इस एपिसोड में जो है ये पोकेमॉन यानी कि ग्रीम स्नार पोकेमॉन जो है एश पकड़ेगा, क्योंकि एश के पास मतलब गाइस उसके पास सिर्फ 6 पोकेमॉन है और जो कि उसने पकड़े पिकाचू तो एक, इसका मतलब इस रीजन में उसने सिर्फ 5 पोकेमॉन पकड़े हैं। तो गाइस मुझे लगता है ये पोकेमॉन तो वो एश को देख सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है ग्रीम स्नार को एश पकड़ेगा या फिर गो, कमेंट में जरूर बताना। फिर गाइस मुझे लगता है इस एपिसोड में ऐसा भी हो सकता है कोई अलग ही बंदा जो है जिसके पास ग्रीम स्नार पोकेमॉन वो इस एपिसोड के अंदर अपीयर्ड होगा और शायद से वो एश के साथ जो है वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज की जो बैटल होती है वो बैटल करे एश के साथ। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, ये थे कुछ अपडेट जो कि पोकेमॉन जर्नी से रिलेटेड अपडेट्स आए थे जो कि मैंने आपको बता दिया। और गाइस ये था उन पर मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है आप अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर शेयर कर सकते हो गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।